मेरठ की जाकिर कॉलोनी में हादसे का शिकार हुए 3 मंजिला मकान की नींव कमजोर हो चुकी थी। परिवार के लोग मकान के ऊपरी मंजिल में जरूरत के हिसाब से समय समय पर निर्माण कराते रहे, लेकिन नींव को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया गया। नींव में डेयरी में इस्तेमाल होने वाला पानी, गंदगी और बाहरी दीवारों में 4-3 से हो रही बारिश का पानी रिसता गया। इससे मकान ढह गया और करीब 9 लोगों की जान चली गई और जबकि कई जिंदगी मुश्किल में फंस गई। मलबे में तब्दील हुआ मकान 300 गज का था और 50 वर्ष पुराना था। भूतल पर 20 साल से अलाउद्दीन और उनके इंतकाल के बाद 4 बेटे साजिद, नदीम, नईम, शाकिर पशुओं की डेयरी चला रहे थे। ऊपरी मंजिल पर 4 भाइयों का परिवार रहता था। पूरे मकान में केवल एक पिलर था और ये गेट पर था। मकान की दीवार भी 4 इंच की थी। मकान से पानी निकालने के इंतजाम नहीं थे। पशुओं की गंदगी दीवारों पर ही जमा हो रही थी। लिंटर के नीचे परिवार दबा था जिनको निकालना मुश्किल हो रहा था। 6 दिन पहले मकान का एक छोटा सा हिस्सा धंस गया था जिससे परिवार ने अनदेखा कर दिया था। 4 दिन से बारिश हो रही थी जिसके चलते मकान की नींव खोखली हो गई। शनिवार शाम 4:30 बजे मकान के ऊपरी मंजिल पर साजिद, उसके 3 भाइयों का परिवार मौजूद था। अचानक 3 मंजिला मकान धंस गया और पूरा परिवार मलबे में दब गया। यहाँ जाकिर कॉलोनी में एक G+2 करके घर था, 2 मंजिल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और इसमें जो 14 जो बताया गया फैमिली की तरफ से कि 14 लोग थे, 3 लोग शुरू में ही निकाल लिए गए, निकल गए, और बाकी के जो 11 लोग थे उनमें से 5 लोग निकाले जा चुके हैं और बाकी के अभी 6 लोग अंदर हैं, जिसमें NDRF और SDRF दोनों अमरोहा से भी, सहारनपुर से भी यहाँ पे कार्यरत हैं। जाकिर कॉलोनी में एक बिल्डिंग गिर गया है, उसमें 8-10 लोग दब गए हैं। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी मशीनरी वगैरह आ गए हैं, लाइट का भी व्यवस्था कर दिए हैं, फायर और पुलिस काम कर रहे हैं, आर्मी को, NDRF को, SDRF को सूचना दे दिया है, अभी और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। शहर की कई कॉलोनियों में अनगिनत डेयरियां संचालित की जा रही हैं। डेयरी संचालक व उनके कर्मचारी गंदगी को कॉलोनी या आसपास फेंक देते हैं। निवासी और पार्षद इनकी शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई के बजाय आंख मूंद रखी है। ये डेयरियां न केवल गंदगी फैलाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं, बल्कि कभी भी जाकिर कॉलोनी जैसे हादसे की पुनरावृत्ति कर सकती हैं। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।